बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिंदुस्तान की जश्न आजादी का दिन मना रहे हैं और ये हमारा मुल्क अंग्रेजों से आज के दिन आजाद हुआ और इसके जश्न आजादी जगह जगह, गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर मनाना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान सब लोगों ने मिलकर के देश को आजाद कराया और सात समंदर पार इन अंग्रेजों को भेज दिया। और मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से अपील कर रहा हूं भारत के तमाम मुसलमानों से कि आज के दिन से लेकर 16 अगस्त तक तमाम मदरसों में, दरगाहों में, स्कूल कॉलेजों में और अपने घरों और मकानों में तिरंगा झंडा लहराएं। ये तिरंगा झंडा ये हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की आन बान है और इसको मिलकर के तमाम लोगों ने, यहाँ पर रहने वाले जितने भी तबकात हैं, जितने भी मजाहिब के मानने वाले हैं, सब लोगों ने भारत को आजाद कराया। हमारे बाप दादाओं की यह सरजमीन हिंदुस्तान है, इस पर हम लोग मिलजुल करके रहते हैं, यही हिंदुस्तान का कल्चर, यही हमारी तहजीब है। इसलिए हम हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सब शाना बशाना सबके साथ मिल करके हम हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं अपील करता हूं फिर दोबारा कि तमाम मुसलमान अपनी दुकान मकान में और मदरसों में तिरंगा झंडा लहराएं।